श्रद्धा केस में एक के बाद एक सनसनी केस खुलासे हो रहे हैं। 27 साल की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर ने जिस बेरहमी से मारा और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, ये कहानी अपने आप में दिल दहलाने वाली है। लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू अगर किसी का है तो वो है श्रद्धा के पिता का। उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार में जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वो जिंदा होती। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर बताते हैं, श्रद्धा और आफताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला। श्रद्धा ने अपनी माँ से 2019 में कहा था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। इसका मैंने और मेरी पत्नी ने विरोध किया था। तब श्रद्धा नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है, मुझे आफताब के साथ लिव इन में रहना है, मैं आज से आपकी बेटी नहीं। ये कहकर वो घर से जाने लगी तो मेरी पत्नी ने काफी मन्नतें की मगर वो नहीं मानी और आफताब के साथ चली गई। हमें उसके दोस्तों से ही उसकी जानकारी मिल पाती थी। श्रद्धा के इस फैसले से उसकी माँ को गहरा सदमा लगा, वो अक्सर बीमार रहने लगी। 2021 में उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद श्रद्धा ने मुझसे एक दो बार बातचीत की, तब उसने बताया था कि आफताब के साथ उसके रिश्ते में करवाहट आ गई है। उस दौरान वो एक बार घर भी आई और बताया कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। अब मैंने उसे वापस घर लाने को कहा था मगर आफताब के मनाने पर वो वापस चली गई थी। पिता ने आगे बताया, श्रद्धा के जाने के बाद मुझे उसके दोस्तों शिवानी माथरे और लक्ष्मण नडार ने बताया कि श्रद्धा और आफताब के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आफताब उसे मारता पीटता है। मैं उसे कई बार समझा चुका था लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। इसी बीच 14 सितंबर को मेरे बेटे श्रीजय को लक्ष्मण ने फोन करके बताया कि श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद है। अगले दिन जब मैंने बेटे से बात की तो उसने मुझे श्रद्धा का फोन बंद होने की बात बताई। तब मैंने लक्ष्मण से बात की और महाराष्ट्र के मणिपुर थाने में श्रद्धा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पता चला कि श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली में रह रही थी। इस पर हमने दिल्ली के महरौली थाने पहुंचकर आफताब के खिलाफ बेटे के अपहरण की FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आफताब ने कत्ल के बारे में जो भी कुछ बताया है वो उसके बारे में अंग्रेजी में जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी नहीं आती पर वो अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है। उसने कबूल किया है कि यस आई किल्ड हर। अब पिता को सिर्फ इस बात का दुख है कि अगर उनकी बेटी ने उनकी बात मान ली होती तो शायद आज वो जिंदा होती।